आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। वाराणसी पहुंचे हिंदुवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एयर स्ट्राइक के बाद क्या सैनिकों का मरना बंद हो गया है। एयर स्ट्राइक की आंकड़ेबाजी पर राजनीति करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये सेना के शौर्य और पराक्रम का परिणाम है कि राम टेंट में और नेता पार्लियामेंट में है। उन्होंने राम मंदिर पर अध्यादेश लाने की मांग भी उठाई। राम मंदिर के मध्यस्थी के बारे में संबंधित पक्षों से आर्ग्यूमेंट सुनी गई। हमारा कहना है कि राम मंदिर निर्माण संसद में कानून से ही होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हमारी सत्ता आएगी तो संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाएगी, तो भाजपा ने कोर्ट से मंदिर बनाने का वादा नहीं किया था, कानून से संसद से किया था। और यही वादा को लेकर अडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या यात्रा भी निकली थी। इसलिए अभी भी समय है, भाजपा सरकार अध्यादेश लाकर राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाए। आगरा में बसपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई समेत भाई की पत्नी पर आगरा पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पूर्व मंत्री के भाई और उनकी पत्नी पर धोखाधड़ी कर बैंक ऋण की रिकवरी में अधिग्रहित हुए प्लाट को 1.5 करोड़ रुपए लेकर फर्जी बैनामा कराने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों के रसूख के चलते अब पीड़ित शिकायतकर्ता को जान का खतरा लग रहा है। पीड़ित ने सुरक्षा की मांग की है। जनपद आगरा में एक धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें विनोद उपाध्याय एवं प्लस एक उनके अभियुक्तों के खिलाफ जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी का मामला है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। आगरा में चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते वक्त एक शख्स ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंस गया। ट्रेन के गेट पर खड़े टैक्सी चालक ने किसी तरह युवक को पकड़कर उसकी जान बचाई। आनन फानन में चैन पुलिंग कर ट्रेन को रोका गया। पूरा मामला कैंट रेलवे स्टेशन का है। हरदोई के शाहबाद स्थित एक निजी स्कूल की घटारा बस को छात्रों से धक्का लगवाने का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के श्री कृष्ण मेमोरियल पब्लिक स्कूल की बस बंद हो गई थी, जिसके बाद बच्चे बस को धक्का लगाते हुए पेट्रोल पंप तक लेकर पहुंचे, जिसका वीडियो वायरल होने लगा है। बता दें कि शाहबाद इलाके में ARTO की लापरवाही के चलते घटारा बसों में स्कूली बच्चे ढोए जा रहे हैं। इस मामले पर जिले के BSA हेमंत राव ने बताया कि जांच कराई जा रही है, मामला सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे जनपद के शाहबाद ब्लॉक में श्री कृष्ण मेमोरियल विद्यालय है, निजी विद्यालय है, इसके बस को बच्चों द्वारा धक्का लगाए जाने का प्रकरण संज्ञान में आया है। प्रकरण संज्ञान में आने के पश्चात संबंधित शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। दोषी पाए जाने पर जांच में संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को स्वच्छ बनाने की कवायद में जी जान से जुटे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को चौपट करने में मऊ जनपद की नगर पंचायत के कर्मचारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आलम यह है कि आदर्श नगर पंचायत अदारी में दिल्ली से क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की टीम आई थी, लेकिन टीम के सामने नगर पंचायत में काम करने वाले कर्मियों को ही उस क्षेत्र का निवासी बनाकर खड़ा कर दिया गया, जिससे नगर पंचायत की कारगुजारी दिल्ली की टीम के सामने उजागर न हो सके। स्वच्छ अभियान वाला देखने के लिए हाँ, सफाई फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, तो कुछ पूछा आपसे? क्या पूछा था? कि आपके घर में शौचालय है? हमने कहा कि मेरे घर में शौचालय है, अगल बगल में भी शौचालय है, तो हमारे घर के अगल बगल में शौचालय है जी। तो आप शौचालय का प्रयोग करते हैं? जी, हम शौचालय का प्रयोग करते हैं। यही बताया आपने? जी। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि लोग खुले में शौच कर रहे हैं या नहीं, किनके पास शौचालय है किनके पास नहीं है, सारी जानकारी हमें यहाँ से लेंगे, कलेक्ट करके TTI को। अभी किस तरह की जानकारी मिल पाई है आपको यहाँ पे? अभी तक जहाँ तक हमें जो लोकेशन मिला उस लोकेशन जहाँ भी हम गए हैं वहाँ पे लोग खुले में शौच पाया नहीं गए, और वहाँ पे सभी लोग जितने मैंने फीडबैक लिया उन लोगों ने यही बताया कि हमारे घर में शौचालय है और आसपास के सभी लोगों का शौचालय बना हुआ। सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात इलाके के चिलकाना बस स्टैंड पर कुछ युवकों में किसी बात को लेकर न सिर्फ कहासुनी हो गई, बल्कि बात इतनी बढ़ गई कि युवकों के दोनों गुटों में जमकर मारपीट भी हुई। युवकों के दोनों गुटों के बीच जमकर लात घूंसे और बेल्टें चली। पूरा झगड़ा नशे में बाइक चलाते वक्त टक्कर लगने से शुरू हुआ। मारपीट की यह घटना शायद हो गई।
पुलवामा में आतंकी हमले के बाद कश्मीरियों के साथ होने वाले घृणित अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसी ही घटना राजधानी के हसनगंज थाना क्षेत्र स्थित डालीगंज पुल पर देखने को मिली, जहां मेवा बेचने वाले 3 कश्मीरियों पर कार सवार भगवादारी लोगों ने हमला बोल दिया। कार सवार लोगों ने कश्मीरियों से उनका आधार कार्ड भी मांगा और बेरहमी से पिटाई कर दी। किसी तरह दोनों कश्मीरी युवक जान बचाकर वहां से भाग निकले, जबकि एक को पुलिस अपने साथ थाने ले गई। छानबीन के बाद पुलिस ने कश्मीरी युवक को उसके परिचित के हवाले कर मामले को रफा दफा कर दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ युवक एक अन्य युवक के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। इस प्रकरण में थाना हसनगंज लखनऊ पर मुकदमा अपराध संख्या 80/19 अंतर्गत धारा 147, 323, 504 भारतीय दंड संहिता रजिस्टर किया गया है। आरोपी युवकों की शिनाख्त कर उनकी तलाश की जा रही है तथा इसमें अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद के कचहरी स्थित बाल कल्याण समिति कार्यालय पर एक महिला पहुंची, जो गायब हुए बच्चे को अपना बच्चा बता रही थी। उसके साथ आई दो महिलाओं ने बताया कि ये महिला ही उस बच्चे को छोड़कर चली गई थी। गौरतलब है कि 4 दिन पहले एक 1.5 साल का बच्चा बंगाली महिलाओं को मिला था, जिसको बंगाली महिला ने गलशहीद थाने की पुलिस को सौंप दिया था। अखबार की सुर्खियों में बने बच्चे को कई लोगों ने गोद लेने की इच्छा जताई, लेकिन बाल कल्याण समिति ने कहा कि बच्चा रामपुर भेज दिया गया है। गोद लेने की प्रक्रिया का जो भी तरीका है, उस तरीके से बच्चे को गोद लिया जा सकता है। बहुत बारिश गिर रही थी उस दिन, तो उसकी माँ बैठी थी, मेहंदी लगा रही थी बैठ के। तो वही वहाँ पे एक नाई की दुकान है, नाई के बराबर में वो स्लिप है ना, एक उस स्लिप में बिठा के चला गए थे। बच्चा बहुत रो रहा था, तो हमने घर में उठा के ले गए थे। तो घर में उठा के ले गए तो कोई आए ना, अब सब मांगने आ रहे थे, हम दिए ना पराए के बच्चे, हम कैसे दे दें। तो इस वजह से हम थाने पर रिपोर्ट करवा दिए थे। थाने वाले बच्चे को ले गए थे? हाँ, थाने से बच्चों को ले गए। आज कैसे पता लगा आपको कि वो बच्चा यहाँ पे आया है? वो आई थी, नीचे आई थी, तो हमने नीचे उसे पकड़ ली कि ये उसकी माँ आज आई थी। आई थी तो हमने कही चलो तुम्हारे बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे, जहाँ दिए हमने वहाँ चलो। तो वहाँ यहाँ लेके आए हम, मैडम को फ़ोन लगाए थे, तो मैडम कह रहे कि ले आओ उसे, तो वो आने नहीं चाह रही थी। तो हम कह रहे चलो कभी हमारे ऊपर आ जाए, तो हम लेके आए। वर्तमान में बच्चा राजकीय शिशु केंद्र रामपुर में है। आज जो महिलाएं और एक महिला और उसकी बेटी जो थाने में बच्चे को लेकर गए थे, वही एक महिला को लेकर आए हैं, लेकिन महिला हमारे पास किसी तरीके का दावा नहीं कर रही है लिखित रूप में, और ना ही किसी तरीके के बयान देने में असमर्थता व्यक्त कर रही है, बल्कि ऑफिस में से बार बार भागने का प्रयास कर रही है। लेकिन फिर भी जो महिला बच्चे को लेकर आई थी पुलिस में और उसकी बेटी, उन दोनों के बयानों के आधार पर हम आगे की जांच कराएंगे इस मामले में, और जो भी निर्णय लेगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बागपत में वाहन चालक यातायात नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करते, लेकिन अब वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी नहीं कर सकेंगे। दिल्ली की तर्ज पर बागपत में भी ई चलान की व्यवस्था लागू की गई है। ई चलान ऐप हर यातायात पुलिस कर्मी समेत थाना पुलिस के मोबाइल में रहेगा। इस ऐप के जरिए पुलिस जिस गाड़ी का भी ई चलान काटेगी, उसकी सूचना वाहन स्वामी को तुरंत मिल जाएगी। उसके मोबाइल पर तुरंत चालान कटने का मैसेज पहुंच जाएगा। स्वास्थ्य महकमे की टीम ने छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के सामने मौजूद वर्मा पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया। अनियमितता मिलने पर ये कार्रवाई की गई है। हालांकि वर्मा पैथोलॉजी लैब की जांच करने आए अधिकारियों ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उन्होंने CMHO के निर्देश पर जांच करने की बात कही, जबकि लैब को आगामी निर्देश तक सील रखा जाएगा। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।